अगुणे वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के तोशाखाना केस में रिलीफ मिली वो इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत तरफा नवाज़ शरीफ जहाँ जब्त कल असासा बहाल करने का हुक्म प्रॉपर्टी गाड़ियों अकाउंट्स वापस करने की हिदायत। निगरान वज़ीर मकबूल बाकर जो निगरान वज़ीर आज़म के खत वर्कर्स वेलफेयर सब्शन फंड के गैर कानूनी कटौती एहतजाज संद अड़ी तरमीम का वर्कर्स वेलफेयर एंड वर्कर्स पार्टी सब्शन फंड सूबाई मामलो है सिंध सरकारी आयनी तौर सूबे के सनती इदार में वर्कर्स वेलफेयर फंड उगाड़ी कर सी वीआ गैर आयनी तौर अरबे रुपये की उगाड़ी कर चुकी है। गाजा में इसराइली फौजी बमबारी में वधिक तेजी वधिक 500 फलस्तीनी शहरी शहीद यहूदी फौज एक दफो बीहर अलकदस शफा यलोदा अस्पताल में बमबारी शहीदों अंग वधी 11,000 थी वयो जख्मियों को अंग 29,000 थी वयो हर पासे बारूदी बर्बादी जा मंजर आरजी जंगबंदी के ऐलान से अमल न थी सको। निगरान वज़ीर आज़म अनवार अल काकड़ टन ढीन के दौरे सऊदी अरब पहुंची वो वज़ीर आज़म फलस्तीन की सूरत हाल ओआईसी के सरबराह इजलास में शिरकत कद परडे ऑफिस की तर्जमान मुमताज़ आरा बलोच गज़ामी अमन गडियल कौमन के पेंो किरदार अदा करो पवो अत खाली फलस्तीनी शहर से इसराइली जुल्म मुज़म्मत जो अमल है फौजी ऑपरेशन में टेक्निकल वक्फे से गज़ा में इंसानी इमदाद पहुंचाने मुमकिन ना है पाकिस्तान गज़ा में मुकम्मल जंगबंदी जो हामी है। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी नौ रिकॉर्ड कायम मुल्की तारीख में पेरों भेरों 100 इंडेक्स 55,000 की हद पार कर वही स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स में 1,000 का वधिक पॉइंट्स जो इजाफो 100 इंडेक्स 55,253 पॉइंट्स से ट्रेड। सुप्रीम कोर्ट तरफा अगुणे सदर परवेज मुशर्रफ की सजा खिलाफ अपील बुधनी लाय मंजूर चीफ जस्टिस काजी फाज जी साजी सरबराही में चार रुकनी बेंच तरफा अगुणे सदर परवेज मुशर्रफ की सजा खिलाफ अपील उन बुधनी चीफ जस्टिस काजी फाज जी सारे रिमार्क्स डींदे मां बेंच तब्दील करने के हक में ना आया जस्टिस मंसूर के तें करे शामिल वो जो पे भी केस बुधी चुको है खास अदालत जो फैसलो कल अदम करार दियण जो मिसाल माजी में किथे मिले तो पीपी अगवाण अगूणे वफाकी वजीर खुर्शीद शाह कें जबरदस्ती इक्तदार से विहारे वो तो मुल्क जो नुकसान सियासी पार्टियों को हक है अलग अलग आम चूंड में हिस्सों वन या इतिहाद कन सिलेक्शन कई वही तो मुल्क के फायदे बदरा नुकसान ही दुनिया में किथे भी वोट दियण वक्त मुदाखलत न कई वी है। पीपी अगवाण आज धामा चुना है सिंध में मुखालफन जो इतिहाद सबूत है तो पीपी सब का वही पार्टी है पीपी के ताकत समझदड़ मू इतिहाद छो कायम कर रहा मुल्क में नौ वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंद शैला राजा अज चवण है तो पीपुल्स पार्टी एक नजरियाती पार्टी है आवाम की उम्मीदों से का भी सौदेबाजी न कई वी पैं नजरिए कायम रहंदड़ पार्टी से गडन बार बार मौकफ तब्दील कदड़ पार्टी की हिमायत न कई वी। तहरीक इंसाफ चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी खिलाफ साइफर केस की बुधनी 14 नवंबर तक मुलतवी स्पेशल प्रोसिक्यूटर के चवण है तो जवाबदार हुआ वकील पेश न थियण सबब बुधनी मुलतवी कई वही है।
सिंध हाईकोर्ट तरफा गुम थे मानू की बाजियाबी लाए कोशिशों तेज करने की हिदायत निंगरी समेत चैन जणन की बाजियाबी बाबत दिसंबर के बे हफ्ते ताई पुलिस घरू वजारत वफाकी हुकूमत का रिपोर्ट तलब जस्टिस नेमत लापोलो पोटो चे तो गुम थे मानू के वासन का ख्याल रखन रियासत की जिम्मेवारी है जीआरटी टास्क फोर्स के इजलास के बावजूद गुम थे मानू का पतो न पैजी सको है गुम थे मानू की गोल्हा लाए जदीद तरीका अख्तियार कर घुर्जन सिराड़ी वेझो जरदारी उनड़ बिरादरी में छेड़ो एक जणो कतल एक जख्मी हथियार बंदन मोहम्मद सिद्दीक जरदारी के गोलियों हणी कतल कर छो मकतूल के वारसन जो नवाब शाह में एहतजाजी मुजाहरो लाश रखी धरणो डेरा भरा जमाली वेझो जमीनी तकरार तां हथियार बंदन जी घर में घिड़ी फायरिंग ब औरतू कतल शेख भिरकियों में शुगर मिल से पोरेतन पारा मुतालबन की मनता लाए एहतजाज मुजाहरों और धरणो पोरेतन मिल के कमन की फरहमी बंद कर छी अखबारों भी चवना है मुतालबन की मन्यता ताई कमन की फरहमी बंद एहतजाज जो सिलसिलो जारी रहंदो सकरण में आबाद घर जो रेवन्यू अमले की मुबैना ज्यादतन खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों धरणो ट्रैफिक मुअतल आबाद घर जो चवण है रेवन्यू अमलो जबरदस्ती जमीनों खाली कराण ज्यादती कर रो है मलीर में बिन जणन के काफिल की गिरफ्तारी ला एहतजाजी मुजाहरों नेशनल हाईवे धरणो अगवाणों के चवण है 40 दिन गुजरण बावजूद पुलिस जवार हुसैन अतर जोखियो जा कातिल गिरफ्तार न कर सकी है पुलिस कातलन का गरी रिश्वत वी खून लोहण की कोशिश कर रही है सिंध के मुख्तलिफ शहर में रोड हादसों के नतीजे में 5 जणा फोत कराची में शाहरा फैसल से मुसाफिर बस की टक्कर में औरत फोत 8 मानू जख्मी दोदापुर वेझो मीरानपुर थाने की अद में ट्रैक्टर के मोटरसाइकिल के टक्कर लगन सबब पीरसन फोत उडेरो लाल वेझो कोच के टक्कर में नौजवान तमधणी हवाले कर क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच में सुभाणे पाकिस्तान जो मुकाबलो इंग्लैंड से थींदो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम जो चवण है सुभाणे मैच तमाम घणी अहम है हिकमत अमली तहत मैदान से लहंदा फकर जमान 20 का 30 ओवर ताईं बीह वयो त टारगेट हासिल करे वठंदा कप्तान तौर मथस कें किस्म जो को दबाव ना है आई क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच में अफगानिस्तान की दक्षिण अफ्रीका खिलाफ बैटिंग 112 रनसन से अफगानिस्तान की अध टीम आउट थी वही